Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें कुछ हम थोड़ा एवरेज के बारे में बात करेंगे। और आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी अभी गंदी हो रखी है, क्योंकि मैं आपके लिए एक दो वीडियो के बाद एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूं जिससे कभी भी आपकी गाड़ी में रस्ट नहीं लगेगा। बट कोई भी चीज़ किसी को बताने से पहले खुद चेक कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने अपने मडगार्डों पे करा हुआ है और लगभग एक महीने से गाड़ी नहीं धुलवाई है। फिर धुलवाएंगे और देखेंगे रस्ट लगता है कि नहीं, उसके बाद आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। आज फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं गाड़ी के एवरेज के ऊपर, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि भाई हमारी गाड़ी एवरेज नहीं देती है और तुम्हारी गाड़ी इतना एवरेज क्यों दे रही है, तुमने कुछ करा हुआ है या तुम सिर्फ वीडियो के लिए एवरेज अपना मतलब ऐसा करके दिखा देते हो। फ्रेंड्स हमारी गाड़ी लगभग 21,000 किलोमीटर चल चुकी है कंप्लीट, और अभी एवरेज भी 21.3 का है, क्योंकि फ्रेंड्स हम कभी भी अपनी गाड़ी ज़्यादा स्पीड एक साथ रेस वगैरह हम कुछ भी नहीं करते हैं अपनी गाड़ी में, बहुत धीरे धीरे गाड़ी अपनी चलाते हैं। और दूसरी बात, कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका लोग ध्यान नहीं देते और उसी वजह से गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं बाद में चल के। अभी तो कुछ पता नहीं लगता है, बाद में जाके प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। पहली बात है फ्रेंड्स कि कभी भी आप गाड़ी जब सुबह स्टार्ट करें तो स्टार्ट करके सीधे चलाने ना लगें या उसमें रेस ना देने लगें, क्योंकि जब गाड़ी सुबह एक बार रात भर में जब खड़ी होती है तो उसका सब इंजन ऑयल नीचे आ जाता है, और जब आप स्टार्ट करते हो तो सब इंजन ऑयल नीचे ही होता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है। बट जब आप रेस देते हो तो पिस्टन और बोर में स्क्रैच पड़ जाते हैं, जिस वजह से आपने देखा हो कुछ लोगों की गाड़ी धुआं देने लग जाती है। उसी चीज़ को बोला जाता है रिंग चले जाना, गाड़ी के जो लोग कहते हैं रिंग चले गए। इसलिए कभी भी गाड़ी स्टार्ट करके एक साथ उसमें रेस वगैरह ना दें, कुछ टाइम उसे एक दो मिनट चलने दें ताकि नीचे से इंजन ऑयल ऊपर चला जाए और इंजन वेल ल्यूब्रिकेटेड हो जाए। यही फ्रेंड छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताता रहूँगा, जिससे आपकी गाड़ी की भी सेफ्टी रहेगी और आपको कभी गाड़ी धोखा नहीं देगी और एवरेज भी अच्छा देगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी। और अभी फ्रेंड्स हम वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से बदायूं फ्रेंड्स है लगभग 50 और बरेली है लगभग 80 किलोमीटर दूर, इसलिए अभी हम कुछ सामान नया सामान नहीं लेके आ पा रहे हैं, इसलिए अभी हम आपके लिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। जैसे ही लाएंगे तभी बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक।